मजेदार। ओके सो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जे आर ट्यूटोरियल में। ओके सो जैसा कि आपको पता है, वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक विच इज नथिंग बट द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम लोग ने दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ओके और बहुत बेहतरीन तरीके से अपलोड किए हैं। ओके तो सबसे पहले क्या करो, अगर अभी तक वीडियो देखना नहीं चालू किया है, अभी तक पढ़ना नहीं चालू किया है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो क्या करना है, सबसे पहले वो दोनों वीडियो देखना है, उसके बाद यहां पे जंप करना है। ओके बात सुना रही एवरीवन, पक्का? सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये समझ गए तो आगे तुमको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडायनेमिक्स 12th में बहुत इजी गिरेगा। ओके तो इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। चलो बुक पेन लेके बैठ जाओ फटाफट। ओके वन शॉट वीडियो कंप्लीट करेंगे, नोट्स बनाएंगे और फटाफट पढ़ाई चालू करेंगे। ओके चलो So let us start with a specific heat capacity. Okay, specific heat capacity क्या होता है? तो सबसे पहले let us talk about example. Okay, दो example की बात करते हैं. Let us take a water और let us take a oil. Let us take a water और let us take a oil. Okay. अब अगर मान लो कि ये water को मैं गर्म कर रहा हूं और इस oil को भी मैं गर्म कर रहा हूं for same time, दोनों सेम टाइम के लिए गर्म कर रहे हैं, तो जरा ध्यान से देखो, यहां से हीट तो सेम जा रहा है, यस और नो? सेम टाइम के लिए गर्म कर रहे हैं और जो बर्नर है वो भी सेम है, मान लो सेम बर्नर है, मतलब सेम अमाउंट ऑफ हीट जाएगा, हाँ या ना? मतलब हीट भी सेम है और टाइम भी सेम है, दोनों सेम है, बट दोनों के टेम्परेचर में जो चेंज आएगा वो सेम नहीं आएगा। ओके दोनों के टेम्परेचर में जो चेंज आएगा वो सेम नहीं आने वाला है। ओके भाई पानी और ऑयल दोनों सेम तरीके से राइज नहीं करेंगे, दोनों का टेम्परेचर राइज नहीं होगा। कारण क्या है भाई, सेम हीट जा रहा है और सेम टाइम के लिए गर्म किया जा रहा है, तो ऐसा क्या कारण है कि ये दोनों का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा? एंड दैट कारण इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके मतलब इंडिविजुअल सब्सटेंस के पास अपनी एक प्रॉपर्टी होती है हीट एब्जॉर्ब करने की। ओके सो और हीट एब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्लियर बात सुना रहा है? तो हम लोग देखेंगे क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो अगर यहां पे हम लोग देखें भाई, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है दैट इज गिवन बाय S इज इक्वल्स टू डेल क्यू बाय एम डेल टी। ओके वेयर डेल टी इज नथिंग बट योर चेंज इन टेम्परेचर। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड For a substance of 1 kg mass, the amount of heat required for a substance of 1 kg mass to change the temperature by 1 degree Celsius or by 1 Kelvin, या फिर वो 1 degree से चेंज हो या फिर वो 1 Kelvin से चेंज हो, कोई फर्क पड़ता नहीं। मैंने बताया भाई, जब कभी भी चेंज की बात होती है तो चेंज को डिग्री सेल्सियस में रखो या फिर केल्विन में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनो बात सुना रहा है? तो व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भाई, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज, क्या चेंज करना है उसका टेम्परेचर, कितने से चेंज करना है, 1 degree Celsius और बाय 1 Kelvin, कितने अमाउंट ऑफ मास का, 1 kg अमाउंट ऑफ मास का, कितने अमाउंट ऑफ मास का, 1 kg अमाउंट ऑफ मास। क्लियर बात समझ आ रही है? दिस इज नथिंग बट अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके अगर हम लोग देखेंगे तो वाटर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना, वो सबसे ज्यादा है। ओके तो वाटर बहुत जल्दी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर लेता है। ओके इसलिए वाटर बहुत जल्दी गर्म होता है, बाकी जो सब्सटेंस होते हैं उनके जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो वाटर से कम है, इसलिए वो गर्म होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेते हैं, उनका हीट एब्जॉर्ब करने का जो कैपेसिटी है वो थोड़ा सा कम है। ओके क्लियर। अगर यूनिट की बात करें तो व्हाट अबाउट यूनिट, यूनिट क्या हो जाएगा जरा बता दो तो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा जरा देखो तो,
एसआई यूनिट विल बी ऊपर क्या है हीट दैट इज जूल पर, नीचे क्या है केजी, और यहां पे क्या है चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर है तो डिग्री सेल्सियस भी आ सकता है और जूल पर केजी केल्विन भी आ सकता है. दिस इज नथिंग बट एसआई यूनिट दैट इज जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस और जूल पर केजी केल्विन. ओके जो तुमको चाहिए वो आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखो अगेन आई एम सेइंग भाई चेंज इन टेम्परेचर की बात हो रही है तो उसके अंदर जो चेंज होता है ना वो सेम होता है. लेट अस टेक एन एग्जांपल, एग्जांपल के थ्रू तुमको समझा देता हूं कि भाई 10 डिग्री सेल्सियस है और 20 डिग्री सेल्सियस है, इसके अंदर का चेंज बताओ. तो इसके अंदर का चेंज आ जाएगा दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस. अब इसी 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो, केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 283 हो जाएगा और इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे 293 हो जाएगा और इनका चेंज देखो कितना आएगा, दैट इज नथिंग बट 10 केल्विन. ओके दैट इज नथिंग बट 10 केल्विन. तो डिग्री सेल्सियस का चेंज देखो और सॉरी एवरीवन, ओके थोड़ा सा जुकाम हुआ है तो इसलिए छींक आ गए. ओके सॉरी एवरीवन, एक्सट्रीमली सॉरी. सो 283 केल्विन माइनस मतलब चेंज 293, तो कितना आएगा 10 केल्विन का चेंज आएगा. कितना आएगा 10 केल्विन का चेंज आने वाला है. क्लियर बात समझ आ गई एवरीवन, है ना, समझ में आया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ओके अब कहानी आती है कि भाई जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है हर बार उसको मास में नहीं लिया जाता. ओके स्पेशली फॉर द गैस. ओके ये ट्रू है फॉर लिक्विड एंड सॉलिड. भाई लिक्विड और सॉलिड के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है लिक्विड एंड सॉलिड के लिए, बट फॉर गैस. ओके जब कभी भी हम लोग गैस की बात करते हैं तो गैस में क्या होता है कि भाई जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ना उसको हम लोग इंस्टेड ऑफ टेकिंग इन मास हम लोग उसको मोल के टर्म में कैलकुलेट करते हैं. तो उसके लिए जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है. क्या चेंज होता है देखो जरा, स्पेशली फॉर द गैस जहां पे मास को हम लोग रिप्लेस कर देंगे मोल. तो अगर हम लोग मास को रिप्लेस कर देंगे किससे, मोल से. तो अगर हम लोग मास को मोल से रिप्लेस करेंगे तो क्या ही चेंजेस बनेगा जरा ध्यान से देखो. तो अगर हम लोग यहां पे देखें तो यहां से हम लोग जो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो डिफाइंड होता है एस से. बस यहां पे क्या आ जाता है, यहां पे आ जाता है सी इज इक्वल्स टू डेल क्यू बाय यहां पे जो मास है, मास की जगह आ जाता है मोल. तो यहां पे उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और चेंज इन टेम्परेचर बराबर. तो जनरली जब हम लोग गैस की बात करते हैं तो गैस के लिए हम लोग मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन करते हैं. दिस इज नथिंग बट अ मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको भी सेम तरीके से डिफाइन करेंगे. द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर द सब्सटेंस ऑफ वन मोल टू चेंज द टेम्परेचर बाय वन डिग्री सेल्सियस और वन केल्विन. ओके खुद से ट्राई करेंगे सब लोग, डेफिनेशन सेम ही डेफिनेशन है. बस क्या करना है, वन केजी की जगह डाल देना है तुमको वन मोल. क्या करना है, 1 केजी के जगह तुमको डाल देना है 1 मोल, नथिंग एल्स. बात समझ आ रही है सबको एवरीवन? ओके इसके यूनिट में क्या चेंज आएगा देखो जरा, यहां पे यूनिट क्या होता है जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, तो यहां पे मोल आ गया तो क्या ही चेंजेस आएगा, तो ऐसा यूनिट बिकम दैट इज जूल पर मोल, मोल के जगह एमओएल आ जाएगा और डिग्री सेल्सियस, और इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं जूल पर मोल केल्विन. क्लियर बात समझ आ गई, this is nothing but a SI unit. okay ab yahan pe ek aur cheez hum log ko sikhne milta hai, that is called CV and CP. okay what is that CV and CP, agar hum log baat kare CV and CP ki to dekho kya hota hai. CV ka matlab hota hai ki bhai molar specific heat capacity, molar specific heat capacity, molar specific heat capacity at constant volume, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. और सीपी का मतलब क्या होता है, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. और इसका ही हम लोग रेशियो लिखते हैं, दैट इज गामा सीपी बाय सीवी. अगर तुमको याद होगा बहुत जगह हम लोग ने इस्तेमाल किया रहेगा, व्हाट इज गामा, व्हाट इज गामा. सो गामा इज नथिंग बट अ रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ओके जो सबके लिए अलग होता है, डायटोमिक के लिए अलग होता है, मोनोटोमिक के लिए अलग होता है. जब हम लोग 12th में जाएंगे तो हम लोग एक टॉपिक रहेगा दैट इज नथिंग बट काइनेटिक थ्योरी, वहां पे हम लोग ये कहानी जानेंगे. ओके बहुत बेहतरीन कहानी है ये. ओके तो सीवी और सीपी का महत्वपूर्ण क्या है, देखो यहां पे भी सेम ही कहानी है, ये है चीज यही, बट यहां पे जो अमाउंट ऑफ हीट हम लोग दे रहे हैं ना वो अमाउंट ऑफ हीट दो जगह जा रहा है, उसका वॉल्यूम चेंज करने में और उसका प्रेशर चेंज करने में. तो जब हम लोग प्रेशर को वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं तो क्या होता है भाई, वर्क नहीं होता. मतलब सारा का सारा जो हीट है, सारा का सारा हीट कहां पे जा रहा है, सारा का सारा हीट जा रहा है उसका इंटरनल एनर्जी चेंज करने में बराबर.
और अगर हम लोग प्रेशर की बात करें तो प्रेशर में क्या होता है भाई, दोनों होता है, लाइक जो भी हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे वो उसका वर्क भी करेगा और इंटरनल एनर्जी भी चेंज करेगा. ओके, मतलब ये सेम चीज है, इट इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर द सब्सटेंस ऑफ वन मोल टू चेंज द टेम्परेचर बाय 1 degree Celsius और 1 Kelvin एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. मतलब सेम डेफिनेशन लगेगा, सेम डेफिनेशन जो मोल का डेफिनेशन है वही सेम डेफिनेशन लगेगा, बट वहां पे लग जाएगा एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. इसमें भी सेम डेफिनेशन लगेगा, बट जो मोल का कंसेप्ट रहेगा वहां पे लग जाएगा एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. क्लियर बात समझ आ गई एवरीवन? हाँ ना? चलो आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हीट इक्वेशन की. नेक्स्ट हम लोग क्या बात करेंगे? हीट इक्वेशन से. तो हीट इक्वेशन कहां से आता है? सेम तुम्हारा जो डेफिनेशन है ना, विच इज नथिंग बट अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो डेफिनेशन होता है दैट इज नथिंग बट S equals to del Q by M delta T. यहीं से मिलता है मेरे को हीट इक्वेशन. क्या करो, ये M delta T को इस तरफ भेज दो तो del Q का फॉर्मूला क्या बनेगा तुम्हारा? del Q का फॉर्मूला बनेगा that is M S delta T, where M is mass, है ना, S is specific heat capacity, that is S, और change in temperature, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, दैट इज नथिंग बट डेल टी. ओके, एंड दिस इज नथिंग बट अ हीट इक्वेशन. यही मेरा हीट इक्वेशन. ओके, मतलब दोनों सेम ही चीज है, एस इक्वल टू क्यू बाय एम डेल्टा टी. वही सेम कहानी है, डेल क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी. ओके, दोनों के दोनों सेम ही इक्वेशन है, कोई चेंज नहीं है, याद रखना ये चीज, थोड़ा दिमाग में बैठा लो. ओके, यही हीट इक्वेशन है तुम्हारा, यही तुम्हारा हीट इक्वेशन है. ओके, क्लियर बात समझ आ रही है एवरीवन? पक्का? ओके, बहुत बढ़िया. ओके, अब अगर हम लोग बात करें, देखो आगे की कहानी अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो आगे की कहानी क्या होती है. देखो, जब कभी भी हीट दिया जाता है किसी भी सब्सटेंस को, जब कभी भी हीट दिया जाता है तो देयर इज अ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट. ओके, बट सारा का सारा एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होता है क्या? नहीं होता. ओके भाई, देखो अगर हम लोग बात करें बॉइलिंग ऑफ वाटर, तो लेट अस कंसीडर अ बेहतरीन एग्जांपल ऑफ बॉइलिंग ऑफ वाटर. अब अगर मैं मान लो कि किसी वाटर को बॉइल कर रहा हूं, लेट्स से कि इसके अंदर पानी है और पानी को मैं बॉइल कर रहा हूं. ओके, अब पानी को बॉइल कर रहा हूं, लेट्स से कि पानी पहुंच गया अपने बॉइलिंग पॉइंट पे, विच इज नथिंग बट 100 degree Celsius. यस नो? ओके, पानी जो है वो पहुंच गया कहां पे? अपने 100 degree Celsius पे. अब मैं उसको और हीट कर रहा हूं, और हीट कर रहा हूं, और हीट कर रहा हूं, क्या उस पानी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा क्या 100 degree Celsius से? पानी का नाम लिया, सोचा पानी पी लू, जरा सोचो, और हीट दे रहा हूं, क्या वो अपने 100 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज होगा? उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज होगा? द आंसर इज नो, नहीं इंक्रीज होगा, क्योंकि भाई उस वाटर का मैक्सिमम हीट कैपेसिटी जो एब्जॉर्ब करने का था वो तो खत्म हो गया ना. तो अब जो एक्स्ट्रा हीट दे रहे हो उसको, वो एक्स्ट्रा हीट क्या कर रहा है? वो एक्स्ट्रा हीट यूटिलाइज कर रहा है अपना स्टेट चेंज करने के लिए, अपना फेस चेंज करने के लिए. मतलब यहां कहानी आती है चेंज ऑफ स्टेट की. क्या कहानी आती है? चेंज ऑफ स्टेट की. अब चेंज ऑफ स्टेट में दो बेहतरीन डेफिनेशन है जो ऑलरेडी तुम लोग ने पढ़े हुए हैं, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट एंड नेक्स्ट इज योर फ्रीजिंग पॉइंट. बहुत ही बेहतरीन डेफिनेशन है भाई, तुम लोग ने पढ़ा है बचपन में, 8th, 9th, 10th में कब से पढ़ते आ रहे हो. बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज अ बॉइलिंग पॉइंट भाई? बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या? कि व्हेन भाई तुम्हारा जो वाटर है वो कन्वर्ट होता है किसमें? स्टीम में, है ना, वेपर में कन्वर्ट होता है ना, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट. यस नो? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बराबर, कांस्टेंट टेम्परेचर बोल रहा हूं, एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर. फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है भाई? जब तुम्हारा वाटर जो है लिक्विड वाटर वो कन्वर्ट होता है किसमें? आइस पे. यस नो? एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यस नो? एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दोनों जो फिनोमिना होते हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही होते हैं. तो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट इज नथिंग बट जब तुम्हारा पानी है वो कन्वर्ट होता है, वो लिक्विड स्टेट से कहां जाता है? वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाता है. फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट मतलब होता है कि भाई जब तुम्हारा जो लिक्विड वाटर है वो कन्वर्ट होता है आइस में, मतलब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है. तो ये दो डेफिनेशन तो अपने को पता है. तो वही जो फिनोमिना है ना, दैट इज कॉल्ड चेंज इन स्टेट. और इसको हम लोग इस ग्राफ के दौरान समझने की कोशिश करेंगे. ओके, अब मान लो, सॉरी थोड़ा सा गला खराब है, मान लो यहां पे देखो जरा. सो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम टेम्परेचर बढ़ रहा है. एट पॉइंट सी, जरा ध्यान दो, एट पॉइंट सी अब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, तुम हीट दे रहे हो. ओके, यहां पर समझो तुम हीट दे रहे हो, ऐसा नहीं कि तुमने हीट देना बंद कर दिया, ना 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 ना, तुम हीट अभी भी प्रोवाइड कर रहे हो उसको, बट वो क्या कर रहा है? वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और अपना स्टेट चेंज कर रहा है. क्या कर रहा है? अपना स्टेट चेंज कर रहा है. मतलब मान लो कि अगर सी पे वो सॉलिड है
तो डी पे कहीं ना कहीं वो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। बात सुन आ रहा है, डी पे कहीं ना कहीं वो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। अब जरा देखो, अब लिक्विड पे आ गए, अब वापस उसकी हीट कैपेसिटी बढ़ गई, मतलब उसका टेम्परेचर वापस बढ़ना चालू होगा, उसका टेम्परेचर वापस बढ़ना चालू होगा। अब मैंने बर्फ को पिघलाया, बर्फ पिघला के क्या बना दिया, पानी बना दिया। अब जैसे ही पानी बना दिया, उसको और गर्म कर रहा हूं, वो और हीट एब्जॉर्ब करेगा और अपना टेम्परेचर बढ़ाना चालू करेगा। तो यहां पे देखो टेम्परेचर बढ़ना चालू होगा, टेम्परेचर बढ़ना चालू होगा, टेम्परेचर बढ़ना चालू होगा। अब देखो जरा ई पॉइंट पे, ई पॉइंट पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अगेन द टेम्परेचर बिकम कॉन्स्टेंट, अगेन द टेम्परेचर बिकम कॉन्स्टेंट। यस नो? अब सिंस द टेम्परेचर बिकम कॉन्स्टेंट, अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो गया है तो इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि भाई यहां पे वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है। और पानी जब अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है, मतलब अब तुम लोग उसको कितना भी हीट प्रोवाइड कर दो, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने वाला नहीं है। तो वो जो एक्स्ट्रा हीट तुम दे रहे हो, वो एक्स्ट्रा हीट का वो क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ तो करेगा ना। तो वो एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और अपना फेस चेंज कर रहा है, अपना स्टेट चेंज कर रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड से गैसियस की तरफ। तो यहां पे जो तुमको तुम्हारा जो स्टेट मिलेगा, यहां पे तो वो लिक्विड रहेगा, बट एट दिस कॉन्स्टेंट टेम्परेचर यहां पे तुमको मिलेगा वो गैसियस। क्या मिलेगा? गैसियस। बात समझ आ रहा है? यस नो? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ओके okay. एंड ये जो स्टेट को चेंज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए रहता है ना, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज लेटेंट एनर्जी, उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट एनर्जी। बात सुना रहा है? ओके okay. भाई तुम तो एनर्जी दे रहे हो ना, तुम जब पानी उबाल रहे हो, उस पानी को जब बॉईल कर रहे हो, तो बॉईल हो गया पानी, पानी अपने मैक्सिमम टेम्परेचर पर पहुंच चुका है, दैट इज नथिंग बट 100 डिग्री सेल्सियस। अब पानी उससे ज्यादा उबलने वाला नहीं है, बट तुम कंटिन्यूअस हीट दे रहे हो, वो कंटिन्यूअस हीट कहां जा रहा है, वो कंटिन्यूअस हीट अब वो लेगा और अपना स्टेट चेंज करेगा, मतलब वो लिक्विड से क्या बनेगा, वो लिक्विड से गैस बनेगा। और लिक्विड से गैस बनने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट, उस एनर्जी को क्या बोला जाता है, लेटेंट हीट बोला जाता है। क्लियर? बात समझ आ गया? ओके तो डिफाइन करें लेटेंट हीट। ओके देखो यहां पे मैंने एक ट्रायंगल बना के रखा है तुम्हारे अजम्पशंस के लिए, ये बेसिक चीज है जो तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ओके कि भाई कैसे स्टेट कन्वर्जन होता है, अगर हम लोग देखने जाए तो देखो, सॉलिड से अगर हम लोग गैस की तरफ जा रहे हैं डायरेक्टली, तो सॉलिड से गैस, तुम लोग आंसर दो, सामने लिखा हुआ है सब्लिमेशन, हाँ या ना? गैस से डायरेक्ट सॉलिड की तरफ आ रहे, उसको क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। यस नो? ओके मेरे ख्याल से सॉलिडिफिकेशन के अलावा एक और वर्ड है, दैट इज कॉल्ड द डिपोजिशन। ओके सॉलिडिफिकेशन से ज्यादा अच्छा वर्ड है डिपोजिशन। ओके जब कभी भी गैस से डायरेक्ट सॉलिड की तरफ जाता है, तो नेक्स्ट देखो, अगर लिक्विड से गैस की तरफ जा रहा है तो वेपराइजेशन, अगर गैस से लिक्विड की तरफ जा रहा है तो कंडेंसेशन, अगर लिक्विड से सॉलिड की तरफ जा रहा है तो फ्रीजिंग, अगर सॉलिड से लिक्विड की तरफ आ रहा है मेल्टिंग, मेल्टिंग के अलावा हम लोग उसको ये भी बोलते हैं फ्यूजन भी बोलते हैं। यस नो? ओके तो ये बेसिक चीजें हैं, ये ऑलरेडी तुमको पता है। ओके हो सकता है मुझसे बेहतरीन तरीके से तुम लोग ने इसको याद किया रहा है, तो अगर तुम लोग ने याद किया है तो वेल एंड गुड है, नहीं याद किया है तो ये ट्रायंगल के फॉर्म में तुम लोग इसको याद कर सकते हो, बहुत अच्छा मेथड है इसको याद करने का। क्लियर? बात में आ गए एवरीवन? ओके चलो कहानी आगे बढ़ाएं, लेटेंट हीट के बारे में और जानने की कोशिश करें, तो लेट अस स्टार्ट विद लेटेंट हीट की कहानी। ओके लेटेंट हीट की कहानी ये करते हैं, यहीं पे मैं डिफाइन करने की कोशिश करता हूं, चलो नया पेज ले लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके लेटेंट हीट की कहानी क्या होता है भाई? लेटेंट हीट क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास। भाई एक यूनिट मास को चेंज करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, दैट इज नथिंग बट अ लेटेंट लेटेंट हीट। यस और नो? ओके तो कैसे डिफाइन करेंगे? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट। ओके स्टेट लिख लो या फिर फेज लिख लो, ये तुम्हारा चॉइस है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ यूनिट मास, ऑफ अ यूनिट मास इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। ये उसका फॉर्मूला हो गया, दैट इज एल इज इक्वल्स टू क्यू बाय एम। ओके यूनिट क्या हो जाएगा जरा देखो, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, SI यूनिट की अगर हम लोग बात करेंगे तो SI यूनिट क्या हो जाएगा, दैट इज क्यू बोले तो जूल और एम बोले तो मास, तो जूल पर केजी। क्या हो जाएगा? जूल पर केजी। बात सुना है? क्या हो जाएगा? जूल पर
केजी। क्लियर कहानी समझ में आ गई? ओके, दिस इज नथिंग बट अ लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट को तुम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो, एक होता है तुम्हारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक होता है तुम्हारा लेटेंट हीट ऑफ यस और नो, क्या होता है, वेपराइजेशन। ओके, जब तुम लोग फ्यूजन बोले तो भाई जब तुम लोग मेल्टिंग की तरफ जा रहे हो तो तुम्हारा ये फ्यूजन हो जाएगा, जब तुम लोग लिक्विड से गैस की तरफ जा रहे हो तो उसको हम लोग बोलेंगे वेपराइजेशन, यस और नो। ओके भाई देखो, सॉलिड से लिक्विड की तरफ तो होता है वो फ्यूजन, तो वहां पे जो हीट आता है दैट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब तुम लोग लिक्विड से कहां जा रहे हो, गैस की तरफ, तो वहां पे वेपराइजेशन हो रहा है, तो वहां पे आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, इसको इस तरह समझाने की कोशिश करते हैं। यहां पे देखो, तो मान लो कि भाई तुम लोग कहां जा रहे हो, सॉलिड से लिक्विड, तो यहां पे जो लेटेंट हीट लग रहा होगा उसको क्या बोलेंगे, यहां पे जो लेटेंट हीट लग रहा होगा उसको बोलेंगे लेटेंट हीट सॉलिड से अगर लिक्विड जा रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और मान लो कि अगर लिक्विड से गैस बन रहा है, क्या बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है, तो यहां पे वेपराइजेशन हो रहा है यस और नो, तो इसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर बात सुना आया भाई, सॉलिड से लिक्विड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लिक्विड से गैस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, कहानी खत्म। क्लियर समझा, व्हाट इज द फॉर्मूला, एल इज इक्वल टू क्यू बाय एम। भाई ये यूनिट मास को चेंज करने के लिए एनर्जी है, याद रखना, मतलब यूनिट मास को चेंज करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, दैट इज नथिंग बट अ लेटेंट हीट, दैट इज नथिंग बट अ लेटेंट हीट। क्लियर, कहानी समझ में आ गई सबको? ओके चलो, ओके अब एक नेक्स्ट बेहतरीन टॉपिक है विच इज कॉल्ड एज ट्रिपल पॉइंट। ओके, थोड़ा बहुत तुम लोग ने इसका जानकारी नाइन्थ टेंथ में थोड़ा बहुत ले लिया रहेगा, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। ओके, अगर हम लोग बात करें, देखो ट्रिपल पॉइंट मतलब क्या होता है, एक ऐसा कंडीशन है, एक ऐसा पॉइंट है ग्राफिकली, ओके ग्राफ में एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे तुमको तीनों स्टेट, ओके तीनों स्टेट मतलब किसी भी सब्सटेंस के तीनों स्टेट देखने मिलेंगे, तीनों स्टेट बोले तो लिक्विड गैस और लिक्विड गैस और सॉलिड। ओके, मतलब अगर तुम देखो बर्फ, तो बर्फ का तुमको तीनों स्टेट देखने मिलेगा, सॉलिड लिक्विड और गैस। ओके, ग्राफ पे, ओके थ्योरेटिकली ये चीज मतलब एक्सपेरिमेंटली करने जाओगे तो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा तीनों स्टेट को एक साथ दिखाना, बट ग्राफ में ये बहुत इजी होता है। ओके, ग्राफ में ये तुमको तीनों स्टेट एक साथ दिखेंगे। ओके, मतलब ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट होता है जहां पे तुम लोग का तीनों ग्राफ, तीनों कौन कौन सा ग्राफ, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड वेपर और सॉलिड वेपर, ये तीनों ग्राफ जब मिलते हैं तो उस पॉइंट को बोला जाता है ट्रिपल पॉइंट। और ये ज्यादा करके मतलब नोटिसेबल होता है, ज्यादा करके इजी होता है बनाना वाटर के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। ओके, ऐसा नहीं है कि बाकी लोग का नहीं बन सकता है, बट इसके लिए बहुत ज्यादा आसान है बनाना। ओके, इसके लिए कंडीशन भी बहुत आसान है। ओके, तो अगर हम लोग बात करें ट्रिपल पॉइंट क्या होता है भाई, वेयर तीनों ग्राफ लिक्विड सॉलिड, लिक्विड वेपर एंड सॉलिड वेपर मीट ईच अदर, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज ट्रिपल पॉइंट। ओके, उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, ट्रिपल पॉइंट बोला जाएगा। ओके, सो जरा ध्यान से देखो, अगर हम लोग बात करें दिस, ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ओके, ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। तो यहां पे देखो सॉलिड लिक्विड का सॉलिड वेपर का ग्राफ बन रहा है ऐसा। ओके, मतलब ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला जो पोर्शन होगा, दैट रिप्रेजेंट द सॉलिड। यहां पे देखो लिक्विड और सॉलिड बन रहा है, और यहां पे लिक्विड और वेपर, मतलब ये वाला जो पार्ट होगा दैट रिप्रेजेंट द लिक्विड, और ये वाला पार्ट दैट रिप्रेजेंट द वेपर। ओके, तो यहां पे कंडीशन क्या है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कंडीशन बनता है 0.01 डिग्री सेल्सियस, ये जो है डिग्री सेल्सियस में है, मतलब टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर शुड बी 0.01 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर शुड बी 0.006 एटीएम, कितना होना चाहिए 0.006 एटीएम। तो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो प्रेशर कितना होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए 0.006 एटीएम।
ओके मतलब ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में मेरे को जो ये मिलेगा ना वाटर का तीनों स्टेट एक साथ मिलेगा ग्राफ पे, ओके ये वाटर के लिए है, फॉर वाटर, फॉर H2O। ऐसे हम लोग को CO2 का भी मिलेगा, तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर CO2 ये तुम लोग मेरे को कमेंट करके बताओगे कि भाई CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड का कंडीशन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए प्रेशर क्या होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए कि वो दोनों एक सिंगल पॉइंट पे मिल जाए। ओके अब अगर हम लोग बात करें, अगर मैं इसको और गर्म करूंगा तो देखो यहां पे 100 डिग्री सेल्सियस आ गया, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है भाई वाटर बॉइल होता है, और बॉइल होता है मतलब वो लिक्विड से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वेपर में, इसलिए मेरा उस टाइम मेरा कंडीशन कितना होना चाहिए 180 एम, क्योंकि वो तो सारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही हो रहा है ना, वो सारा सिचुएशन तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही हो रहा है। सुनो अब मैं टेम्परेचर अगर बहुत लेके जाता हूं, लेट्स से मैं लेके जाता हूं 374, तो 374 पे क्या होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, मतलब वहां पे क्या होता है जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, मतलब यहां पे वाटर का एग्जिस्टेंस है ही नहीं। 374 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जैसा कोई भी सब्सटेंस तुमको नहीं मिलेगा, H2 जो है वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब वाटर का एग्जिस्टेंस होगा ही नहीं, नॉट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, नॉट इवन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, नॉट इवन इन द फॉर्म ऑफ गैस। ओके मतलब एट द टेम्परेचर ऑफ 374 जो पानी है वो अपना महत्व खो देगा, मतलब वो पानी पानी नहीं रहेगा, जैसे ये पानी है ये पानी पानी नहीं रहेगा, वो H2O नहीं रहेगा, वो H अलग हो जाएगा, O अलग हो जाएगा, बात समझ आ रहा है, मतलब वहां पे उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। ओके क्लियर समझ में आया क्या होता है ट्रिपल पॉइंट्स। ओके तुमको क्या करना है भाई, तुमको कमेंट करना है किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कि व्हाट इज द टेम्परेचर फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रेशर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। ओके अगर ट्रिपल पॉइंट्स है तो कहां पे ट्रिपल पॉइंट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। क्लियर कहानी समझ में आ गई एवरीवन, पक्का। ओके बहुत बेहतरीन कहानी है, समझो इसको ध्यान से। ओके बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये, क्लियर एवरीवन, पक्का। ओके चलो सो आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है, यहां पे हम लोग थर्मल एक्सपांशन खत्म करते हैं, चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अगेन आई एम सेइंग इसके बाद टॉपिक चालू होगा, दैट इज नथिंग बट हीट ट्रांसफर, और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, याद रखना हीट ट्रांसफर बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके तो वहां पे मिस मत करना। ओके क्लियर बात समझ आ गया एवरीवन। चलो सो अगर वीडियो यहां तक देख लिया है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, यस और नो, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके और बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि बेल आइकन दबाओगे तो तुमको नोटिफिकेशन जाएगा कि भाई ये वीडियो आ चुका है, ये स्टैंडर्ड का ये वीडियो आ चुका है, तो वो कंपलसरी है। क्लियर बात समझ आ गई। ओके अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए बना है, कमेंट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुमको इंस्टाग्राम पे डीएम करना है तो डीएम कर सकते हो, मैंने इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है, वहां पे भी हम लोग डाउट सॉल्विंग और डिस्कशन करते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके चलो सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।